सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर है, पेंशन योजना में बढ़ेगा 4% अंशदान। 4 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ, अभी 10% अंशदान दे रही है सरकार। फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत होने वाले बजट में शिवराज सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन में सरकार अपना अंशदान 4% बढ़ाने की तैयारी में है। अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10% अंशदान जमा करते हैं। केंद्र सरकार ने अपने अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है, पर प्रदेश के 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इससे वंचित हैं। वह इसके लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने अब अंशदान बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2005 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई है। इसके तहत जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार भी मिलाती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से अपना अंशदान 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। राज्य सरकार ने 20 मार्च 2020 से यह प्रावधान मध्यप्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू कर दिया है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नहीं दिया गया कि मांग। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ से लेकर अन्य कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इसे लगातार टाला जाता रहा। बताया जा रहा है कि मांग में सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2020 से लागू है सेवा के लिए प्रावधान। 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, 14% अंशदान कर दिया है। केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपए का आएगा सरकार पर भार, पेंशन को भी मिल सकती है राहत। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा भी की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश में 5 लाख पेंशनर हैं, इन्हें अभी 12% महंगाई राहत मिल रही है। कमलनाथ सरकार ने जुलाई 2019 से कर्मचारियों को 5% डीए बढ़ाने का आदेश दिए थे, लेकिन पेंशनर को छोड़ दिया था। पेंशनर एसोसिएशन के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से पेंशनर को महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की है। बजट में सरकार कर सकती है घोषणा, कहना है कि बजट में सरकार 4% अंशदान बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके दायरे में लगभग 4 लाख कर्मचारी आएंगे। इस प्रावधान के लागू होने पर सरकार के ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए का साला अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। तो यह एक अच्छी खबर है, इसे अधिक से अधिक साथियों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।